वेलकम बैक गाइज, हियर आई एम हिमंत एंड यू आर वॉचिंग HC गेमिंग। सो दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑफिशियल जो न्यूज़ आती है ब्लू टिक वाले लोग अगर डालते हैं तो उसको थोड़ा सा ठीक ठाक समझ सकते हैं, उन न्यूज़ पर विश्वास कर सकते हैं। तो इसीलिए पबजी के ऊपर अब काफ़ी सारी ऑफिशियल न्यूज़ आ रही हैं। अब वो वाली न्यूज़ कम है कि भाई 7 दिन में पबजी वापस आएगा और पबजी जियो से पार्टनरशिप करेगा, इनसे करेगा, मतलब उनका कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं था, कहीं भी आपको लिखा हुआ ऑफिशियल नहीं दिख रहा था। लेकिन अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑफिशियल न्यूज़ देखने को मिलेगी पबजी मोबाइल से रिलेटेड। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं बंदों के। सबसे पहले तो लोगों को ये थोड़ा डाउट है कि पबजी मोबाइल का न्यू वर्जन आ रहा है या फिर पबजी मोबाइल जो बैन हो चुका है वही अनबैन होगा। तो देखो, न्यू गेम बनाना तो इतनी जल्दी एकदम इम्पॉसिबल होता है। अगर आप स्टोरी मोड या छोटे मोटे गेम्स बना रहे हो तो भी लगभग 2-2.5 महीने में गेम कोई भी बनाना इम्पॉसिबल होता है, मुश्किल नहीं, मैं इम्पॉसिबल ही कहूँगा। लेकिन अगर आप पहले से वही काम कर रहे हो उस चीज़ पे तो शायद दे सकते हो। तो यहाँ पर न्यू गेम आना तो तकरीबन इम्पॉसिबल है, लेकिन वो लोग न्यू वर्जन टाइप करके, सर्वर वगैरह चेंज करके ये सब, या फिर नाम चेंज करके ये सब कर वो इंडिया के लिए गेम दे सकते हैं पबजी मोबाइल, या फिर हो सकता है कि जो पबजी मोबाइल बैन हो गया है उसी को वो लोग अनबैन कर दें। अब यहाँ पर फ़ायदा लोगों को तब होगा जब जो बैन हो गया उसी को अनबैन कर दिया जाए, क्योंकि अब भाई आपकी प्रोग्रेस है वहाँ पर, कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो उनको भाई बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। अगर न्यू वर्जन टाइप देते हैं पूरा क्लियर हो जाएगी आपकी प्रोग्रेस ऐसा देते हैं तो मुश्किल है भाई, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी क्योंकि आपने काफ़ी खर्चा किया है। तो ऐसा ना हो तो ही बेटर है, अगर आ ही रहा है तो भाई अनबैन ही कर दो ना जो है उसी को। अब एक और चीज़ कि पबजी मोबाइल अनबैन होगा या फिर न्यू तरीके से किसी भी तरीके से वो दे रहे हैं तो वो कब तक देंगे, तो इस पर काफ़ी लोचा चल रहा है। इसके लिए अभी कोई भी ऑफिशियल डेट वेट कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन लोग अपनी मर्जी से, या फिर एक यूट्यूबर है फेमस, उन्होंने भी बताया, लेकिन उनकी जो डेट है ना वो दीपावली ऑफर नहीं है भैया, दीपावली पर नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो कहा है वो है 2 दिसंबर या फिर जनवरी में आपको देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर र्यूमर है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, सब बोल रहे हैं कि 12 तारीख या 14 तारीख तक आ जाएगा। तो ये तो बहुत जल्दी वाला टाइम है, तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि आ जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तक कोई भी पबजी द्वारा ऑफिशियल न्यूज़ नहीं डाली है कि हम इंडिया के लिए भैया अनबैन करवा देंगे इतनी डेट तक या जो भी है। तो ये तो भाई जब होगा तभी पता चलेगा, बट मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो दिसंबर या जनवरी है, उससे पहले होना तो मुश्किल ही है। हो सकता है जैसे कि पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन होता है, इसी गेम सेम है वही, बस वर्जन अलग अलग है, तो ऐसे ही पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन कर सकते हैं वो लोग। क्राफ्टन कॉर्पोरेशन, पबजी के जो मम्मी पापा हैं वो अब यहाँ पर डील कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ, और डील के तहत ये होगा कि जो भी डाटा है अभी तक टेंसेंट वाले चाइना के पास रहता था और वो तितर बितर करके भैया पैसे छापता था हमारे डाटा के संग कुछ भी करता था, तो यहाँ पर अब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक अच्छी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है, ट्रस्टेबल कंपनी है, तो हमारा जो भी डाटा आटा होगा वो सब वहीं पर रहेगा और टेंसेंट को चाटा मार के अलग कर दिया है। डील यहाँ पर डंडनाडन हो चुकी है, तो बस गेम की सील खुलना बाकी है। जल्द ही हमारे पास और भी काफ़ी सारी इसकी न्यूज़ आ जाएंगी कि क्या मांजरा चल रहा है, उसके बाद हमें क्लियर पता चल जाएगा कि कब तक आएगा हमारा गेम और आएगा या नहीं आएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।